मुंगावेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को चुनावी केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी के निधन होने पर कोई पूजा पाठ या फीता नहीं काटा गया, वहीं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव, कांग्रेस नेता श्याम सोनी, संजय कपूर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू व सभी कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन दिए और स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व ग्रामीण जन अंकित परिसर में हुए आयोजन में मौजूद रहे, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार और तुलसी सिलावट को जमकर निशाने पर लिया और कहा कि सावेर की जनता गद्दार को सबक सिखाएगी और कांग्रेस को जीत दिलाएगी। आज ये क्या कहेंगे सावेर के बारे में आप यहाँ पर? आज देखिए ऐसा लग रहा है हमारे जैसा युवा साथी, हमारे बुजुर्ग किसान लोग सब लोग आए, महिला तक आई है, तो इससे लगता है कि मतलब सावेर विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे गुड्डू भाई हैं वो हजारों मतें जीतेंगे। परंतु आज पहली बार हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी एक्सपायर होगा श्रद्धांजलि के स्वरूप में आज सिंपल का प्रोग्राम रख दिया। नहीं तो आज यहाँ बोलना था, किसानों को बताना था गाँव की सावेर की जनता के लिए आदरणीय कमलनाथ जी सरकार, आदरणीय कांग्रेस ने कितना किया था और उनके बीच में जो कांग्रेस परिवार के जो सदस्य पहले छोड़ के चले गए, अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा लोग ऐसे तब तक खड़े कि हजारों मतों से कांग्रेस विजय होगी और गुड्डू यहाँ से विजय होकर जाएंगे। इसलिए विजय होकर जाएंगे क्योंकि सावेर के अंदर वो विकास चाहिए, उनको विनाश नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ के जो नेता हुआ करते थे, जो 15-20 साल में यहाँ की जो जनता देखती आई थी, उन नेताओं को कहीं ना कहीं मन में ठान लिया है, कांग्रेस परिवार के ऊपर पूरा भरोसा है और जो कैंडिडेट आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया है प्रेमचंद गुड्डू जी, वो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण फिर जगी है और तुलसी सिलावट जी निश्चित तौर पर हजारों वोटों से यहाँ से पराजित होंगे और यहाँ कांग्रेस परिवार फिर से स्थापित होगा। देखिए आज कार्यालय का उद्घाटन तो औपचारिक अनौपचारिक दो ही तरीके से हुआ, हमने कोई फीता नहीं काटा कुछ नहीं, पब्लिक ने यहाँ की सावेर की श्रोता कांग्रेस सावेर विधानसभा चुनाव के कार्यालय का दरवाजे खोल के उद्घाटन कर दिया, कोई लाल फीता ही नहीं, क्योंकि आज इस देश के वो महान व्यक्ति प्रणव दा जिसने आर्थिक झंझावट पूरे विश्व में आया था, उस समय भारत के वित्त मंत्री थे, उस समय भारत एकमात्र देश था जिसकी जीडीपी दर ऊपर थी, भारत अर्थव्यवस्था में मजबूत था, अमेरिका जैसे राष्ट्र ध्वस्त हो गए थे। मैंने अपनी श्रद्धांजलि सभा में कहा कि इस देश में दो ही आदमी व्यक्ति ऐसे हुए हैं राजनीति के अंदर जो दलों की राजनीति से पार्टी की राजनीति से ऊपर उड़ के बात करते थे, उनमें एक थे श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे प्रणव दादा। ये दो व्यक्ति हमेशा वंदनीय और हम राजनीति में काम करने वालों के लिए पूजनीय रहेंगे। कहना आज बहुत कुछ था, आज राजनीतिक भाषण देना था, पर पूरी श्रद्धांजलि हम अर्पित कर पाए। एक सप्ताह बाद फिर आएंगे, फिर ये जो तुलसी सिलावट जो है ना, कमलनाथ जी ने इसको काम सौंपा था मिलावट के खिलाफ युद्ध करो, अब सिलावट में ही मिलावट हो गई तो किस तरह का चरित्र का व्यक्ति होगा। लेकिन सावेर की जनता गद्दारों को कभी माफ नहीं करती, तुलसी सिलावट अब यहाँ से कभी जीवन में विधायक नहीं बन पाएगा, इसलिए नहीं बन पाएगा, सावेर की जनता का कहना है बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, एक बार फिर कमलनाथ जी की सरकार चाहिए जिसने किसानों नौजवानों गरीबों की मदद की। तो आएंगे फिर बात करेंगे, आज तुलसी सिलावट की नींद हराम है, ये चुनाव तक अब सो ही नहीं पाएगा और चुनाव के बाद तो बिल्कुल ही नहीं सो पाएगा। अरे ये उनके छर्रे काहे के लिए, सज्जन वर्मा खेतों में उतरा, देवास जिले के टोंक खुर्द में खेतों में मैं होके आया, शिवराज के पहले मैं पहुंचा हूँ। जब मेरी घोषणा हुई कि सज्जन वर्मा हेलीकॉप्टर से सोयाबीन के खेत देखने जा रहे हैं, तब रात को घोषणा करी कि मैं भी कल सुबह जा रहा हूँ,
तो उनके छर्रे ही काफी हैं, कमलनाथ जी लगे हैं। इस प्रदेश के नई विकास की रेखा कैसे हो उसको बनाने में लगे हैं, वो भी जाएंगे जगह जगह। हाँ मैं देखिए ये बात मध्य प्रदेश का किसान बखूबी समझ रहा है। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे गेहूं की फसल लहला रही थी, इतना गेहूं कभी पैदा नहीं हुआ। शिवराज चौहान पहले मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी घटने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने, पनौती बाबा के नाम से शिवराज पूरे किसानों में फेमस हो गए। इनका पेड़ पड़ता है वही, कोई ओला कहीं पाला कहीं सूखा, तो ये पनौती बाबा आ गया। इतनी बढ़िया फसल आ रही थी, 2 घंटे में सोयाबीन की फसल, ये पनौती बाबा है इस मध्य प्रदेश का। अब 27 सीट पे किसान इसको झेलने वाले नहीं है। आज हमारे कार्यालय का कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन होना था, लेकिन प्रवण दा जो हमारे राष्ट्र के नेता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रपति थे, उनके देहावसान होने की वजह से हम लोगों ने आज उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। और उसको उस कार्यक्रम को चूंकि हमारे परिवार के बड़े मुखिया थे, और आज हमने उसको श्रद्धांजलि के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया। लेकिन चूंकि हमारे खबर जो थी कार्यकर्ताओं को, जो आपने देखा हजारों की संख्या में जनसैलाब जो आया है, आज उनको भी दुख है, उन लोगों ने भी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है। क्या ये कार्यालय का उद्घाटन दोबारा फिर से किया जाएगा, तब किया जाएगा? नहीं, अब तो कार्यालय खुल गया, कल मुहूर्त मुहूर्त का टाइम तो कल था, पूजा वूजा हो गई है, अब कार्यालय पूरी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। जनसैलाब उमड़ा है एक तरह से, तो ट्रेलर है। अभी देखो आप एक एक पोलिंग से लोग आए हैं, 284 पोलिंग से लोग यहाँ पे आए हैं, तो ये बताया है। और ये रात को खबर हो गई थी कि प्रणव दा की वजह से, नहीं तो इससे 2 गुना लोग 3 गुना लोग यहाँ पे रहते। तो ये जो दिख रहा है सैलाब, आप देख रहे हैं कि परिवर्तन का बदलाव का ये सैलाब है सबके मन। मुख्य मुद्दा सबसे बड़ा गद्दार है, गद्दारी की इस प्रदेश के साथ, इन किसानों के साथ, और किसानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। जिन लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था 5 साल के लिए, 1.25 साल के अंदर सरकार गिरा के यहाँ से चले गए, तो इन गद्दारों का हिसाब किताब करेगी जनता। ये जनता वर्सेस तुलसीराम सिलावट है कि तुलसीराम सिलावट ने जनता की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। तो निश्चित तौर से एक बड़ा सबक, और इस बार बड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। अच्छा, फसल जी हाँ, हम लोगों ने बोला है, और हम उसमें अभी पदयात्राएं भी हमने शुरू कर रहे हैं, अभी हम लोगों की प्लानिंग हो रही है। और फसल मुआवजा चूँकि शिवराज सिंह ने गए साल ही इस अगस्त महीने के अंदर घूम के बोला था कि किसानों को 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से दिया जाना चाहिए। अब मैं ये बात मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने किया था उसका पालन करें और घोषणा करें कि 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। आज प्रेमचंद गुड्डू जी के कार्यालय का उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि आदरणीय सज्जन वर्मा जी आए थे, पर कल ही हमारे पड़ोदा का जो राष्ट्रपति थे, वित्त मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के साथ देश की सेवा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उनका देहावसान हुआ, भारत रत्न थे। कांग्रेस पार्टी सांवेर की पूरी इकाई ने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कोई राजनीतिक बात, राजनीतिक भाषा, राजनीतिक भाव आज नहीं थे, ये मूल भावना थी कि ऐसा महापुरुष जो कम जन्म लेते हैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित हो। पर यह जरूर है कि सांवेर के यही कार्यकर्ता जो आज जन सैलाब आया था, ये एक सवाल करते हैं कि मेरी मेहनत को, मेरे वोट को, मेरे भाव को क्यों बेचा। ये आज सवाल करते हैं कि मेरा वोट, सांवेर की जनता का वोट
बेचने से पहले क्या तुलसीराम सिलावट ने पूछा था कि मैं ये वोट बेच रहा हूँ? ये सवाल सबके मन में गया है। मैं मानता हूँ ये चुनाव जो आने वाला है ये कांग्रेस बीजेपी का चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव न मेरा है न तेरा है, ये चुनाव है लोकतंत्र को जिंदा रखने का, आगे जनप्रतिनिधि बिकेगी इसके सम्मान का। ये चुनाव है किसानों को 40,000 रुपया हेक्टेयर सोयाबीन का मुआवजा सरकार दे, अन्यथा अपने घर जाए, इसका चुनाव है। ये चुनाव है जो 5 लीटर दूध के भाव, फेट के भाव हो गए 7 रुपए से 5 रुपया कर दिए, ये उस न्याय का चुनाव है। कर्ज खा गई बीजेपी किसानों का, उसका चुनाव है। जो बिजली के बिल किसानों के आधे हुए थे फिर पूरे हो गए, इसका चुनाव। ये चुनाव है किसानों का, आम जन के बिगड़े हुए 2-2, 3-3, 4-4 हजार बिजली के बिल आ रहे, उसका चुनाव। ये कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तुलसीराम सिलावट को बहुत बड़ी हार की ओर ले जाने वाला था। कदम बात सज्जन भैया।